नमस्कार, मेरा नाम विनीत है और मैं वाह मोबाइल वाटर एटीएम के बारे में बताना चाहता हूँ। आपने जब भी कभी सफ़र करते होंगे, खुद भी ये दर्द महसूस किया होगा कि पीने का शुद्ध पानी कम कीमत पर उपलब्ध नहीं होता है, और ये दर्द हर दिन हर समय करोड़ों लोग इस देश में महसूस करते हैं। इसी दर्द ने हमें प्रेरित किया कि इसका कुछ विकल्प बनाना चाहिए। उसी की उपज है वाह मोबाइल वाटर एटीएम, ताकि आप जब भी घर से बाहर हैं, बाजार में, रेलवे स्टेशन पे, अस्पताल में, कोर्ट कचहरी में, हर उस जगह आपको एक विकल्प उपलब्ध हो पाए जो कम कीमत में आपको उसी स्तर और उसी गुणवत्ता का पानी दे सके जिसके लिए आपको 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अब मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। इस मशीन में पानी निकालने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको नोजल के बगल लगे बटन में बटन को दबाना है इस तरह से, जहाँ से एक ग्लास डिस्पेंस होगा। इस ग्लास को लेकर आपको इसके बगल में लगे नोजल के नीचे रखना है, और 250 ml पानी पीने के लिए आपको सिर्फ 2 रुपए का कॉइन एक्सेप्टर के ऊपरी भाग में डालना है, और ऑटोमेटिकली पानी इसमें डिस्पेंस होता है, जो कि 250 ml है, विच इज जो कि क्वांटिफाइड है, और पास पानी पी लेना है। वाह, क्या बात है। मशीन के पीछे भाग पे लगा हुआ यह नोजल हमारे इस प्रयास को दर्शाता है कि हम प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ आपको 5 रुपए में 1 लीटर पानी मिलता है। सिंपल वही प्रोसेस है कि आपको 5 रुपए का कॉइन इसके ऊपरी भाग में डालना है, बॉटल यहाँ रखनी है, उसके बाद कॉइन डालना है, और पानी ऑटोमेटिकली 1 लीटर इसमें डिस्पेंस हो जाता है। हम ये सुनिश्चित कैसे करें कि जो पानी आपको दिया जा रहा है वो एकदम शुद्ध है कि नहीं? उसके लिए मशीन में हमने कई प्रकार के सेंसर्स लगाए हुए हैं, जिनमें 2 सेंसर्स का डिस्प्ले आपको यहाँ सामने दिखता है। WHO का कहना यह है कि पीने का पानी का TDS हमेशा 150 ppm से कम होना चाहिए। ये मशीन आपको आप जो पानी पी रहे हैं उसका TDS रियल टाइम में दिखाती है। ये देखिए, यहाँ पर TDS दिखाती है, और इसके अंदर हमने ये भी ऑटोमेशन किया है कि अगर किन्हीं भी कारणों से इस मशीन में गलत पानी डाला जाए या पानी में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये सेंसर अपने आप उसको जांच लेते हैं, और अगर 150 ppm से ऊपर पानी का TDS हो जाता है तो मशीन अपने आप बंद हो जाती है और हमारे क्लाउड एप्लीकेशन को एक सिग्नल भेज देती है। साथ ही साथ गर्मियों के मौसम में तापमान का एक सेंसर इसमें लगाया गया है, ताकि 20 डिग्री से नीचे ही आदमी को पानी पीने को मिले, गर्म पानी ना मिले। इसी प्रकार सर्दियों के मौसम में हमने ये सुनिश्चित किया है कि लोगों को लगभग नॉर्मल पानी मिले, ठंडा पानी ना मिले। ये दोनों इसमें हमने ऑटोमेशन किया। एक विशेषता ये भी है इस मशीन की, ये बड़े पैमाने में प्लास्टिक प्रदूषण को ख़त्म करने में अपना एक कारगर भूमिका अदा करे। एक मोबाइल वाटर ATM जिसका हमने दिल्ली में लगभग 4 महीने पायलट किया, उसके अनुमानों के हिसाब से हम ये सुनिश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यह एक मशीन 1 साल में लगभग मिनिमम 3,500 किलोग्राम प्लास्टिक कचड़े को हमारे पर्यावरण से ख़त्म कर। साथ ही साथ और भी बहुत सारे आयाम हैं इस मशीन के। एक तो ये बहुत छोटी है, मोबाइल है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक प्रक्रिया को हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू दर्शाने की कोशिश की है, एंश्योरिंग हाइजीनिक प्रोसेस रियल टाइम मॉनिटरिंग। ये मशीन सेंसरों के माध्यम से जुड़ी हुई है, सेंसर हमारे क्लाउड एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, जिनको कि हम रियल टाइम में अपनी एप्लीकेशन से देखते हैं, जांचते हैं और उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। धन्यवाद। हम नौजवानों के एक समूह ने यह ठाना है कि लोगों को शुद्ध गुणवत्ता युक्त पानी कम कीमत में उपलब्ध कराना है, और साथ ही साथ अपने पर्यावरण को प्लास्टिक कचरे के भयंकर दुष्परिणामों से बचाना है। यह मुहिम आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ पाएगी, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि खुले दिल से आप हमारा सहयोग करेंगे। नमस्कार।